हम भागने की कोशिश की तो कश्यप की गुलिया के मेरे राइट पैर पे लगी। ग्यारह 2008 की रात मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने के लिए। हम लोग बांद्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी गए, 12 तरंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बम स्फोट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कश्यप की गोलियां के मेरे राइट पैर पे लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई, पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को वहां देख लिया था। वहां मेरे आंखों के सामने कई लोग लाशें गिर रही है, किसी को हाथ में गोली लगी, किसी को पैर पे, किसी के सर पर, किसी को पेट पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक है, वो अंधाधुन गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। आप कोर्ट में आके गवाही देने के लिए तैयार है? हमने बोला हाँ। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, मैंने कसाब को देखी थी। फिर 10 जून को मैं और मेरे पापा ने, हम दोनों ने जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई किया था और गवाही दिए थे। मेरा सम्मान भी हुआ, मुझे कई अवार्ड सम्मान दिए गए, मेरे शो हुए हुए, बट जो मुझे मेन मेरी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहती थी वो अब तक मुझे नहीं मिला। का ऐसा था कि रेंट हमें इतना दो, नहीं तो आप कहीं और एडजस्ट कर लो, आपको रखेगा कौन, आपके लिए रिस्क कौन लेगा, अगर आप रहोगे तो आतंकवादी आ गया। तो लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वादे थे कि मुझे रहने का, घर का व्यवस्था होगा, मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए वो हमें सपोर्ट करेंगे, बट वो अभी तक किए नहीं गए। पॉलिटिशियन कहीं मिले, ऑफिशियली मिले हैं, मीडिया पे मिले हैं, कहीं चैनलों पे बैठ के ऐसे मिल के बातें किए कि हम आपके लिए करेंगे, बट हम आपका साथ देंगे, पर देते नहीं है, सिर्फ बोल के चले जाते। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप घाव पे नमक लगाने का काम मत करो। अगर दवा नहीं लगा सकते तो नमक भी छिड़क के मत जाइए। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख के अपना देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पूरे टेररिज्म खत्म करना चाहती हूँ।